कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के मचेल सेक्टर में इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस और आतंकवादियों के बीच में जो है वो इनकाउंटर चल रहा है, यानी एक बड़ा इनकाउंटर जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है। जिस बीच पांच जवान जो है हमारे जख्मी हुए थे, जिसमें से एक की जान जो है वो चली गई, यानी एक जवान जो है वो शहीद हो गए। अगर हम इनकाउंटर की बात करें, हमलों की बात करें, आतंकी हमलों की बात करें, तो दिन ब दिन हमले जो है वो काफी बढ़ गए हैं। चाहे हम रियासी वाले अटैक की बात करें, चाहे हम डोडा की बात करें, चाहे हम कठुआ की बात करें, चाहे हम कुपवाड़ा की बात करें, तो आज जो है एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें मचेल सेक्टर में जो है वो इनकाउंटर जो है एक बड़ा इनकाउंटर जो है वो चल रहा है, जिसमें ये भी पता लग रहा है कि एक पाकिस्तानी बंदा यानी एक पाकिस्तानी इंसान की भी जान जो है वो उसमें चले गई है। और अगर हम बात करें तो एक जवान जो है वो शहीद हो गया और चार जो है वो अभी जख्मी है। लेकिन अगर हम बात करें तो कई दिनों से आप देख रहे हैं कि जम्मू के इलाकों में, जम्मू की बात की जाए, कश्मीर की बात की जाए, तो बहुत सारे आतंकी हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं, बहुत से इनकाउंटर जो है वो देखने को मिल रहे हैं, जिसमें हमारे बहुत से जवानों की जान जो है वो गई है। फिलहाल अगर हम बात करें तो अभी भी एक जवान जो है वो शहीद हो गए हैं और चार जो है वो अभी जख्मी है। तो कई दिनों से ये मामले जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, काफी इनकाउंटर हमें देखने को मिले। उसी बीच जो है हम भरोसा रखते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द जो है वो ढूंढा जाएगा, इन सभी को जो है वो मौत के घाट जो है वो उतारा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो खराब करने पर तुले हुए हैं। और कहीं ना कहीं काफी दिनों से जो है अगर हम बात करें, अभी तक जो है बहुत से अटैक जो है वो देखने को मिले, जिसमें बहुत से जवान जो है वो शहीद हुए। अगर हम बस अटैक की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि उसमें कितने मासूम लोगों की जान जो है वो गई थी। उसके बाद अगर हम डोडा की बात करें, कठुआ की बात करें, कई सारे इलाके थे जिसमें इनकाउंटर देखने को मिला, जिसमें हमले देखने को मिले। और इस वक्त जो है वो कुपवाड़ा के मचेल सेक्टर में जो है वो इस वक्त बड़ा इनकाउंटर जो है वो चल रहा है, जिसमें आतंकवादियों और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज के बीच जो है वो मुठभेड़ जारी है। और हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द इन सभी को ढूंढा जाएगा और मौत के घाट जो है वो उतारा जाएगा, क्योंकि हमारा जो मुल्क है, हमारे मुल्क में जो है वो कहीं ना कहीं माहौल खराब करने की चीजें जो है वो की जा रही है, जिस बीच कहीं ना कहीं लोग जो है वो काफी जो है वो दिक्कत में आए थे। और अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करें तो उसकी भी जीत में काफी इस बार जो है वो काफी लोग जो है वो इस बार कमी देखने को मिली। फिलहाल आपकी इस पर क्या कुछ राय है, अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिए और जरूर बताएं इस बारे में आप क्या कुछ रखते हैं। और जय हिंद, मिथिला ना भूलें।